हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त योगिता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल चीप एंड ट्रेंडी योगिता। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए आपके बालों का एक समाधान, जिसके लिए आपके बाल हैं बहुत मोटे और रूखे और सूखे और बेजान से, उसके लिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक हेयर मास्क, जो कि है वेला की तरफ से। आज करेंगे इसका रिव्यू। ये आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेला प्रोफेशनल की तरफ से हेयर मास्क, वेला प्रोफेशनल रिच एंड रिच मॉइस्चराइजिंग ट्रीटमेंट फॉर कोर्स हेयर। कोर्स हेयर मतलब सभी को पता है कि कोर्स हेयर क्या होते हैं। कोर्स हेयर का मतलब आपके बाल बहुत ज़्यादा मोटे हैं, रूखे हैं, भूसे जैसे हैं और मतलब कि इतने अच्छे नहीं है। बहुत थिक बालों के लिए जो होता है हेयर मास्क यूज़ करते हैं, तो ये हेयर मास्क उन सब चीज़ों का सोल्यूशन है। ये एक छोटी पैकिंग है, इसकी बड़ी पैकिंग भी आती है। अगर आपको छोटी पैकिंग से स्टार्ट करना चाहिए, अगर आपको ये सूट करता है, आपको अच्छा लगता है, आपके बालों को बढ़िया लगता है, तो आप इसके साथ बड़े पैकिंग ले सकते हैं और फिर उसको कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं। ये हेयर मास्क बहुत ही अच्छा है, बहुत स्मूथ है, मॉइस्चराइज़र है बालों के लिए। और मैं आपको इसको खोल के भी दिखाऊंगी कि ये कितना थिक है और कितना अच्छा है। इसकी खुशबू ज़्यादा बहुत ज़्यादा वाइल्ड नहीं है, एकदम माइल्ड स्मेल है, बल्कि आती ही नहीं है धोने के बाद। तो जब ये आप इसको डिब्बी में सूंघेंगे तो आएगी, अदरवाइज नहीं आती। तो आपके अगर बाल सूखे हैं, ड्राई हेयर्स हैं बेसिकली, अगर आपके ड्राई हेयर्स हैं तो उसी के लिए ये यूज़ होता है। आप जैसे कंडीशनर लगाते हैं तो आप कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप शैम्पू कीजिए, शैम्पू के बाद डायरेक्टली हेयर मास्क को अप्लाई कीजिए बालों में। 5 से 10 मिनट रखिए सर के अंदर और फिर वॉश कर दीजिए, जैसे कंडीशनर को करते हैं। सिंपल तरीका तो यही है और उससे आपके बाल एकदम सॉफ्ट और बढ़िया हो जाएंगे। मैंने भी आज ये लगाया और मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं मुझे काफ़ी। मेरे बाल भी धूल मिट्टी में, इन सब चीज़ों में काफ़ी हार्ड हो गए थे, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए थे, बहुत ज़्यादा इनकी ग्लो जो था चला गया था। आप देखिए मेरे बाल थोड़े से शाइन भी कर रहे हैं, थोड़े बहुत शाइन कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे, लेकिन बाल अच्छे हो गए हैं। तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा, मैंने इसको 6-7 बार यूज़ किया है। मैं इसको हर बारी शैम्पू के बाद यूज़ करती हूँ, कंडीशनर यूज़ नहीं करती, कंडीशनर की जगह इसी को यूज़ करती हूँ। यह है वेला प्रोफेशनल का। मैं आपको बताती हूँ इसकी मार्केट प्राइस क्या है। इसकी मार्केट प्राइस है, भाई मेरे को नज़र नहीं आ रही, एक इसकी मार्केट प्राइस है 600 रुपीज़। इसकी मार्केट प्राइस 600 रुपीज़ है, लेकिन आप इसको अगर मेरे दिए गए लिंक से परचेज करते हैं तो ये आपको थोड़े से डिस्काउंट में, काफ़ी डिस्काउंट में मिलके मिल जाएगा आपको। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होगा इतना तो मुझे पता है। या तो वेला की कोई प्रोफेशनल शॉप हो, या फिर वेला का कोई डीलर हो, या फिर कोई मॉल हो, या फिर कोई ऐसी जगह हो जहाँ से ये सब चीज़ें वो रखता हो, तो आपको मिल जाएगी। अदरवाइज़ मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होगा आपको। आप उसको मेरे दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं, या फेसबुक पर मेरा जो पेज है आप उसको वहाँ से परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको उसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और एक और चीज़, वहाँ पे आपको इसको जेन्युइन चीज़ मिलेगी, क्योंकि मार्केट में आप कहीं से भी ले लोगे तो हो सकता है वो डुप्लीकेट मिल जाए और आप फिर मुझे बोले कि मैम ये तो अच्छा नहीं था, या बालों को ख़राब कर दिया, कर दिया, वो कर दिया। तो आप इसको अच्छी जगह से खरीदेगा, किसी ऐसी जगह से खरीदेगा जो वेला का ही डीलर हो, या फिर वेला का ही मतलब कि काम करता हो, या वेला का, या उन लोगों ने मतलब वेला का जेन्युइन सामान लेना है आपको, बस ये समझ लो। तो ये सामान अच्छा है, ये हेयर मास्क बहुत अच्छा है। मैंने अभी तक जितने भी हेयर मास्क यूज़ करे हैं मुझे ये बेस्ट लगा है। इसको कभी भी कैसे भी नहाने के बाद मैं 5 मिनट भी बालों में रखती हूँ तो बालों का एकदम से जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाता है, बालों का जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है। 5 मिनट से ये बाल इतने अच्छे कर देता है कि बस क्या कहें। मैं कंडीशनर को यूज़ नहीं करती, शैम्पू के बाद डायरेक्ट इसको यूज़ करती हूँ। मैंने आज डी भी यूज़ कर ली, खुशबू बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी खुशबू है, मेरे मुँह पे लग गया काफ़ी अच्छी खुशबू है। और ये वाइट कलर का है, ऐसे थिक है, ये देखो इतनी आसानी से तो गिरेगा भी नहीं, काफ़ी थिक है। अब मैं ज़्यादा करूँगी तो गिर जाएगा, क्योंकि है तो ओवरऑल हेयर मास्क। देखो मैं दिखाती हूँ, ये वाइट है, ये वाइट कलर का क्रीम है। तो इसको थोड़ा सा ही लेना है, थोड़ा सा ही हाथ में ले लो। शैम्पू किया, शैम्पू के बाद आप अपने बालों में से ऐसे करके, जैसे आपने शैम्पू किया अच्छे से, उसके बाद बालों में से ऐसे करके सारा पानी आप निकाल दो। निकालने के बाद थोड़ा सा, इतना सा इसको 1 इंच के बराबर आप अपने हाथ पे लेके, अपने बाल अगर मेरी जितनी लेंथ है मैं तो इतना ही लेती हूँ, इतना से 1 इंच के बराबर लेके दोनों हाथों में मल के आप इसको अच्छे से बालों में ऐसे ऐसे करके रख लीजिए। 5 से 10 मिनट रखिए, उसके बाद आप इसको वॉश कर दीजिए। उसके बाद आपके बाल एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत बढ़िया हो जाएंगे। आपके बाल अगर रूखे सूखे हैं और बेजान हो रखे हैं तो अच्छे हो जाएंगे। और
एक बात और मैं हमेशा बोलती हूँ अपने वीडियो में कि एक बार में कोई भी जादू नहीं होता। आप सोचोगे एक बार धो दिया आपके बाल रेशम जैसे हो जाएंगे तो नहीं होंगे, एक बार में नहीं होते हैं, आपको कंटिन्यूसली इसको यूज करना पड़ेगा। एक डिब्बी खाली करनी पड़ेगी ऐसी वाली, जब जाके आपके मतलब कि पहली आपको फर्क तो पहली बार में ही पता चल जाएगा, लेकिन आप इसको यूज करते रहेंगे तो और अच्छे बाल हो जाएंगे, और अच्छे बाल हो जाएंगे, एकदम सिल्की सॉफ्ट बाल हो जाएंगे। लेकिन पहली बार में ही आपके बाल एकदम मतलब कि अगर झाड़ू जैसे हैं और उसके बाद आप सोचोगे एकदम रेशम जैसे हो जाएंगे तो ऐसा जादू कुछ नहीं होता है। ऐसा जादू सिर्फ पिक्चर में ही होता है, असलियत में नहीं होता है। तो ये वेला का प्रोडक्ट है जो कि मैं सारे रिव्यू अपने दिल से करती हूँ, आप सबको पता ही है कि मेरे सारे ऑनेस्ट रिव्यू होते हैं, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। और मैं इसको पहले भी काफ़ी बार यूज़ करती थी पर वो अलग वेरिएंट थे, और इस वेरिएंट को मैंने अभी यूज़ किया है और ये काफ़ी अच्छा है। आप इसको यूज़ कीजिए और यूज़ करने के बाद आप मुझे थैंक यू ज़रूर बोलेंगे। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आपको अपने बालों की देखभाल करनी है और बालों की क्वालिटी बढ़ानी है तो जितना खर्चा तो बनता है बॉस करना ही पड़ेगा। आप इसको परचेज कीजिए और फिर परचेज करके यूज़ कीजिए और फिर मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा। मैं इसको रिकमेंडेड करती हूँ, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। वेला एक जाना माना ब्रांड है, वेला के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत है नहीं, वेला को सभी जानते हैं। तो जो हेयर स्टाइलिस्ट हैं वो सब वेला का ही आपको शैम्पू या वेला का ही आपको कंडीशनर या हेयर मास्क सजेस्ट करते हैं। वेला के हेयर कलर्स भी आते हैं, वेला का बहुत सारा सामान आता है मार्केट में बस, तो आप ले सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे आने वाले अगले वीडियो के बारे में पता चले। तो ये हो गई बालों की बात, और इसी के साथ मेरा यूट्यूब पे एक और चैनल है जिसका नाम है योगिता के ब्लॉग्स, आप जाकर वहाँ पर मेरे डेली ब्लॉग्स देख सकते हैं। और अगर आपका मन करे आपको अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मन क्या करे आप सब्सक्राइब कर लेना यार, मेरे वहाँ पे डेली ब्लॉग्स आते हैं आप जाकर देख सकते हैं। और उसके भी बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और फेसबुक पे मेरा पेज है जहाँ पे मैं शॉपिंग कैटलॉग है जो कि शॉपिंग पेज है, आप वहाँ पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर जाके आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट आपको मार्केट में इजीली नहीं मिलता है अगर, तो आप नीचे के मेरे प्रोडक्ट लिंक से मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वीडियो के उससे खरीद सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और उसमें आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा क्योंकि मैंने थोड़ा एक महीना पहले इसको लिया था, तो हो सकता है प्राइस ऊपर नीचे हो, बाकी प्रोडक्ट आपको जेन्युइन मिलेगा। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा, बाय बाय टाटा सी यू, फिर मिलते रहेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।